गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं? यू आर फाइन। हाँ, तो अपन, मैं और मेरा व्याकरण का, अपन ने पाठ आठ सर्वनाम जो है उसका भाग एक पढ़ लिया था और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ भी लिया था, है ना? और आज अपन इसका भाग दो पढ़ेंगे। भाग एक में बेटा हमने पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, आप, हम, तुम, कौन, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे मैं का हम, तुम का तुम लोग, यह का ये, वह का वे, इसे का इन्हें और उसे का उन्हें, उनके भी वचन बदलते हैं। तो ये हमारे चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए, आओ करें, अब अपना एक्सरसाइज करने का समय है। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ना बेटा, आप चाहें तो रफ कॉपी में लिख सकते हैं या फेयर कॉपी में भी पीछे पोर्शन एक बना सकते हैं व्याकरण के लिए। तो पहला है, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन पहली लाइन है इसी पेज की सबसे ऊपर। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना? और दूसरा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं। इसका उत्तर है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी भाषा सुंदर और लचीली बने, सुनने में अच्छी लगे। इसलिए हम बार बार, देखिए हमने जैसे शुरू में पढ़ा था, ये करण और अभय भाई हैं और करण और अभय एक साथ खेलते हैं, तो बार बार उनका नाम आता है तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने दोबारा जब उनका अनुच्छेद लिखा तो उसमें हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, ठीक है? तो अब किसी अन्य के लिए किए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दूसरे तीसरे व्यक्ति के लिए, है ना? वह, यह, ये, है ना? और वो, आई, मैं तो हूँ, और तुम, ना तो मैं हूँ ना तुम हो, तीसरा व्यक्ति जो है, वो जो शब्द आते हैं, वह, वे, यह, ये, तो इन शब्दों का प्रयोग हम अन्य सर्वनाम अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। तो आइए अब लिखें, अपनी बुक एक्सरसाइज अपन करते हैं। नंबर 1, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो शब्द सर्वनाम है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। क है, दादी आप कहाँ जा रही हैं, इसमें आप शब्द सर्वनाम है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। ख है, देखो कौन आया है, कौन शब्द सर्वनाम है, कौन के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। लगता है वहाँ कोई है, कोई शब्द सर्वनाम है तो हमने उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है। हम, घ वाला है, हम सब निशा के घर गए, हम शब्द सर्वनाम है तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। अंग है, रिया ने कहा मैंने तुम्हें कपड़े दे दिए थे, तो मैंने शब्द सर्वनाम है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब बेटा पेज नंबर 56 पर आप आ जाइए, पेज नंबर 56, ठीक है? इसको हम, ये पोटली वाला जो पेज है इसको अपने को देखना है। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे ऊपर नंबर 2 पर, उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो रवि ने कहा, का है, रवि ने कहा कि रवि को आम पसंद है। रवि दो बार आया तो अच्छा नहीं लग रहा ना, हमने दोबारा लिखा, रवि ने कहा कि उसे आम पसंद है। ख वाला, यश के भाई ने यश को पार्क में घुमाया, तो दो बार यश आया तो अच्छा नहीं लगा, हमने यश के भाई ने उसे पार्क में घुमाया तो दोबारा हमने उसे लिख दिया यश की जगह। ग है, मीनू मीनू की सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है, तो दूसरी बार जो मीनू आया उसके लिए हमने उसकी लिख दिया, मीनू उसकी सहेली से साइकिल चलाना सीख रही है। घ वाला है, माता जी ने ऋषभ से कहा कि ऋषभ का चित्र बहुत सुंदर है, अब दो बार ऋषभ ऋषभ नाम आया तो अच्छा नहीं लग रहा, तो माता जी ने ऋषभ से कहा कि उसका चित्र बहुत सुंदर है, हमने ये लिख दिया। अब है बेटा अंगा, अंगा है, गरिमा ने कहा कि दिल्ली में गरिमा के मामा रहते हैं, तो इसका हमने बदल के क्या लिखा, गरिमा ने कहा कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं, ये हो गया हमारा। अब नंबर 3 पर है बेटा, जतिन की पोटली में सभी शब्द मिल गए हैं, ये दोनों पोटलियाँ किसकी हैं, जतिन की। तो ये पहली वाली जो पोटली है बेटा, इसमें सारे शब्द मिक्स हो गए हैं, तो इनमें से सर्वनाम शब्द छांट कर दूसरी पोटली में डालकर उसकी मदद कीजिए, हमें इनमें से छांट करके इसमें लिखना है, ठीक है? अब इसमें है बेटा लंबा, लंबा शब्द सर्वनाम नहीं है, घना शब्द भी सर्वनाम नहीं है, क्या शब्द सर्वनाम है तो हमने इस पोटली में क्या लिख दिया, उनका शब्द सर्वनाम है हमने इस पोटली में उनका लिख दिया, तुम्हारा
तुम्हारा शब्द सर्वनाम है, इस पोटली में हमने तुम्हारा लिख दिया। और प्रिया शब्द सर्वनाम नहीं है, रात शब्द भी सर्वनाम नहीं है, आप शब्द सर्वनाम है, हमने इसमें आप लिख दिया। हम शब्द सर्वनाम है तो हमने इस पोटली में हम भी लिख दिया। उस शब्द सर्वनाम है तो इसमें हमने उस भी लिख दिया। अनेक शब्द सर्वनाम नहीं है तो हमने उसको नहीं लिखा। अब बेटा आ जाइए पेज नंबर 57, राइट। पेज नंबर 57 पर आप आइए। इसमें क्या है, सबसे ऊपर जरा सोचिए तो, अपने मित्र दादा दादी व शिक्षिका से बातचीत करते समय आप उनके लिए नाम के अतिरिक्त किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे? मित्र से करेंगे तुम्हारा, है ना, दादा दादी से आप आपका करेंगे, शिक्षिका से भी आप करके हम बात करेंगे, तो ये सारे शब्द सर्वनाम है, आपको सोच के लिखना है। या नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है करके देखिए। अब ये हमको करना है, कविता पढ़िए और उससे सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। अपना जो शब्द है वो सर्वनाम है, हमने गोला बना दिया। देखभाल कर उसने पाया, उसने शब्द सर्वनाम है, उस पर हमने गोला लगा दिया। खाली है उसका कोटर, उसका मैंने उसको हमने गोला लगा दिया। कभी इधर से कभी उधर से, इधर और उधर दोनों शब्द जो हैं हमारे सर्वनाम है, हमने गोला लगा दिया। फुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली तागा, ले जाती जो कुछ पाती। कुछ शब्द भी आपका सर्वनाम है, हमने कुछ पे लगा दिया। ले जाती वह मुंह में दाबे, वह शब्द जो है सर्वनाम है, वह किसके लिए आया, गिलहरी के लिए, तो हमने वह पर गोला लगा दिया। ले जाती वह मुंह में दाबे, कोटर में रख रख आती। और कोटर ये देख रहे हैं ना आप, ये पिक्चर में जो है पेड़ के बीच में उसने बना रखा अपना घर, उसको कोटर कहते हैं, है ना। कोटर में रख रख आती, देख बड़ा सामान इकट्ठा, देख बड़ा सामान इकट्ठा, किलक किलक कर वह गाती। तो वह शब्द सर्वनाम है, हमने उस पर भी गोला लगा दिया। अब इसको पढ़ के हमें हमारे जीवन का मूल्य क्या समझ में आता है, हमें मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी एक यूनिटी रहे, एकता रहे, हम सब एक नजर आए, ठीक है। मैं छोड़ जब हम का भाव आएगा, सारा जग एकता के सूत्र में बंध जाएगा। तो ये पाठ आपको समझ में आया बेटा, और इसका आपका गृह कार्य यही है, इन तीनों पेजेस जो को आप पढ़ेंगे 55, 56, 57 को, और उसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखेंगे, और बुक एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे और अपनी बुक में लिखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बेटा, धन्यवाद।